हाँ जी फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे। मैंने अभी आपको पढ़ाया कि डिविडेंड से प्रभाव पड़ता है शेयर्स के दामों पे। शेयर्स का दाम कितना होगा ये निर्भर करेगा कि आने वाले वक्त में उस शेयर से हमारे को फायदा कितना होगा। और फायदा मैंने अभी तक जो समझाया वो ये है कि डिविडेंड मिलता है। अब मेरा ये सवाल है कि क्या कंपनी को सारा डिविडेंड बांट देना चाहिए? ऐसे बोलना चाहिए, क्या सारी अर्निंग्स जो अवेलेबल हैं क्या वो सारी डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए एज डिविडेंड? क्योंकि जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके हिसाब से अगर कंपनी की शेयर्स की वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि जितनी ज्यादा वैल्यू शेयर्स की बढ़ेगी कंपनी की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। कंपनी इज नथिंग, इट इज अ वैल्यू ऑफ शेयर्स ओनली। तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ानी है तो क्या डिविडेंड सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए जितनी अर्निंग हुई है? आंसर इज नो। मैंने जो पहले पढ़ाया वो भी ठीक था और जो अब पढ़ा रही हूँ वो भी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करेगा मेरा स्टेटमेंट्स। पहले मैंने आपको पढ़ाया कि शेयर्स की वैल्यू पे प्रभाव पड़ता है डिविडेंड कितना मिल रहा है इसके ऊपर। डिविडेंड से सीधा रिलेशनशिप है शेयर के प्राइसेस पे। अब मैं बताऊंगी कि डिविडेंड सारा नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी चाहिए, कुछ अर्निंग्स रिटेन करने में फायदा है। क्यों फायदा है वो समझाऊं। So, my lecture is about to start now. Have a look. देखिए जरा, मेरा कंसेप्ट है आज का, आपका इस वीडियो का, should we pay out all earnings as dividend? ये है क्वेश्चन। क्या हमें कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स भी रखनी चाहिए कंपनी के अंदर? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का इम्पैक्ट आएगा? क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का इम्पैक्ट आएगा शेयर के प्राइसिंग पे? क्या शेयर का आज का मार्केट प्राइस बढ़ या घट सकता है रिटेन्ड अर्निंग रखने से, या डिविडेंड सारा बांटने से ही मार्केट प्राइस पे असर आएगा? ये समझाऊंगी एक एग्जाम्पल की मदद से। 10 मिनट में आंसर आ जाएगा हमारा, इस सवाल का जवाब आ जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल आपको ठीक से देखना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल ये है, मैं आपको दिखाती हूं। कंसेप्ट प्रॉब्लम, हमारे कंसेप्ट बुक में से प्रॉब्लम नंबर 7 निकालिए, देखिए जरा। दो कंपनीज हैं एलपीओ एंड एचपीओ। टू कंपनीज एलपीओ एंड एचपीओ बिगिन विद अ नेटवर्थ ऑफ 1000। कंपनी का जो कैपिटल था वो था 1000 दोनों कंपनियों का। दे अर्न अ रिटर्न ऑफ 25% ऑन नेटवर्थ। अपने कंपनी में जो पैसा उनके पास अवेलेबल है, जो उनके पास कैपिटल अवेलेबल है, उस कैपिटल को दोनों कंपनियां इन्वेस्ट करके 25% उस पर कमाती हैं। कंपनी का ये रेट ऑफ रिटर्न है, कंपनी इतना कमाती है बच्चों अपने पैसे के ऊपर। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है उस पर इतना कमाती है, कोई दिक्कत किसी को? द फर्स्ट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ इट्स अर्निंग्स। पहली कंपनी कौन सी? एलपीओ जो है वो जितना भी कमाती है, 25% कमाती है ना, जितना कमाती है वो सारा शेयर होल्डर्स में नहीं बांटती है, वो सिर्फ 30% बांटती है, बाकी रिटेन कर लेती है। सेकेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 70% ऑफ इट्स अर्निंग एज डिविडेंड्स। दूसरी कंपनी जो एचपीओ है वो 70% बांटती है। ज्यादा कौन बांटती है? एचपीओ बांटती है, एलपीओ कम डिस्ट्रीब्यूट करती है और बची हुई रिटेन रख लेती है। विच कंपनी एंड्स अप पेइंग मोर, कौन सी कंपनी ज्यादा पे कर रही है ये देखना है। अरे क्वेश्चन में लिखा तो हुआ है कि एलपीओ 30% पे करती है, जो भी कमाया उसका 30% डिविडेंड पे करती है, और जो एचपीओ है जितना कमाया उसमें से 70% बांट देती है। तो आंसर तो यही दिख रहा है कि एचपीओ ज्यादा बांटती है। आंसर इज नो। यही दिखाना है मुझे कि ऐसा जरूरी नहीं कि ज्यादा दिया जाए तो सामने वाले को ज्यादा मिल भी जाए। देखते हैं मैंने क्या बोला अभी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि शेयर की वैल्यू निर्भर करती है उस शेयर से क्या बेनिफिट मिलेगा, और शेयर से बेनिफिट जो मिलता है वो मिलता है डिविडेंड। तो ज्यादा, अभी तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा डिविडेंड मिले तो ज्यादा शेयर की वैल्यू, यही मतलब है। तो देख, एक काम करते हैं, मैंने इसके लिए थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने पहले से पेज के ऊपर एक चार्ट बना रखा है, देखिएगा जरा, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ जी, ध्यान दीजिए जरा इस चार्ट पे, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी,
साथ में कैलकुलेटर भी चाहिए होगा हमारे को। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए जरा, ये दो कंपनियां हैं, एक है एलपीओ कंपनी, एक है एचपीओ कंपनी। दोनों कंपनियों की नेटवर्थ है 1,000 रुपए। दोनों कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कितने प्रतिशत कमाती हैं? 25% कमाती हैं। लेकिन एल कंपनी सिर्फ कमाई के ऊपर डिविडेंड देती है 30%, एचपीओ कंपनी अपनी अर्निंग्स के ऊपर डिविडेंड देती है 70%, मतलब 70% पे आउट कर देती है डिविडेंड, जितना कमाया उसका 70% बांट देती है। तो देखते हैं कौन सी कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है। ठीक है, 1,000 रुपए की नेटवर्थ थी, इस पे 25% दोनों कंपनियों ने कमाया पहले साल, दिख रहा है आप लोगों को। 250 क्या कहते हैं रुपए यहां कमाए गए और 250 रुपए यहां कमाए गए। 250 का अगर मैं 30% निकालूं तो 75 रुपीज का डिविडेंड यहां बांटा गया, एंड 75 एंड यहाँ पे 70% डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो 250 का 70% निकाला गया तो 175 यहाँ पे बांटा गया। दिख रहा है आपको बच्चों कौन ज्यादा डिविडेंड बांट रहा है? देखिएगा यहाँ पे ये डिविडेंड है, कौन ज्यादा डिविडेंड बांट रहा है? अभी तो यही डिविडेंड बांट रहा है, एचपीओ ज्यादा डिविडेंड बांट रहा है। ऑब्वियसली एचपीओ डिविडेंड 70% बांटता है और ये डिविडेंड सिर्फ 30% पे आउट है इसका। लेकिन आगे देखते हैं ये प्लीज, अगले साल 250 में से बच्चों 250 में से सिर्फ 75 ही डिविडेंड बांटा गया, तो बच्चा बचा हुआ पैसा रिटेन कर लिया गया। आरई मतलब रिटेंशन, 175 जो रिटेन किया गया वो बिजनेस में एक तरह से अब री इन्वेस्ट हो जाएगा पैसा। तो अगले साल ये एलपीओ के पास कितना पैसा अवेलेबल है एज इन्वेस्टमेंट? 1,000 रुपए पहले से थे, 175 और जुड़ गए उसमें, तो अब 1,175 रुपीज आर अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। कंपनी ने उसके ऊपर 25% कमाया, तो 1,175 पे 25% बना आपका 294 रुपीज। कंपनी ने उसके ऊपर फिर 30% जो कमाया उसका 30% बांट दिया, 70% जो बचा लिया मतलब रिटेन कर लिया। 294 का अगर मैं बच्चों 30% निकालूं तो ये आता है 88 रुपीज। 88 रुपीज डिविडेंड की तरह बांट दिया और बचा 206 रुपीज रिटेन कर लिया। जरा एक एचपीओ कंपनी की तरफ चलते हैं जो डिविडेंड बहुत ज्यादा बांटती है। डिविडेंड कितना बांटा गया यहाँ पे देखिएगा बच्चों, 75 88, यहाँ ये जरा 1,000 रुपए का कैपिटल था, 250 रुपए कमाए पहले साल, 250 रुपए में से 70% पे आउट है, 70% 175 पे कर दिया, 175 रुपीज पे किया है डिविडेंड, जबकि इसने तो खाली 75 पे किया था। कोई दिक्कत नहीं है, 175 पे कर दिया डिविडेंड, वेरी गुड। शेयर के प्राइसेस बहुत ज्यादा मिलेंगे हो जाएंगे इस कंपनी के, तो लग रहा है ऐसा। 175 का ये जो पे किया बचा हुआ, 250 में से 175 पे कर दिया तो बचा हुआ 75 रिटेन कर लिया। अगले साल इस कंपनी के पास कैपिटल कितना अवेलेबल होगा? 1,000 में 75 जोड़ दो। अब 1,075 पे 25% फिर कंपनी ने मेहनत करके कमाया, 269 रुपीज कमा लिए। 269 रुपीज के ऊपर 70% डिविडेंड दे दिया, 269 का अगर आप 70% निकालेंगे तो आपका 188 आ जाएगा, 188 का डिविडेंड दे दिया। अब 269 में से अगर मैं ए 188 हटा दूं तो रिटेन खाली कितना किया? 81। कम कम रिटेन कर रहे हैं इसलिए अगले साल इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा भी कम कम है। धीरे धीरे क्या हो रहा है आप देखें, यहां पे नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब जो पैसा कंपनी के पास अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ रही है। और यहाँ पे कंपनी की इन्वेस्टमेंट देखिए, यहाँ पे कंपनी की इन्वेस्टमेंट 7वें साल में कितनी है? 2632। 7th ईयर यहाँ खाली कितना इन्वेस्टेड है? 1544। ऐसे करते करते जब ये लाइन आगे बढ़ती जाएगी, हर साल का रिटेन्ड पैसा अगले साल के रिटेन्ड पैसे में ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। 11वें साल में अगर आप देखें इस कंपनी का कैपिटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो चुका है? 5,018 रुपए, और इस कंपनी का सिर्फ कितना है? 2,062। अब क्या होगा, इस कंपनी ने डिविडेंड कम कम दिया था और खूब सारा पैसा रिटेन कर लिया था, किस वाली कंपनी ने बच्चों? एलपीओ ने। एलपीओ ने ज्यादा पैसा रिटेन किया तो कैपिटल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लास्ट में नहीं 11th ईयर जब आया तो कैपिटल काफी बढ़ चुका था। अगर मैं 11th ईयर का देखूं तो 5,018 रुपए पे 25% कंपनी ने कमाया 1,225 रुपए 55 रुपए।
इस रकम के ऊपर 1255 के ऊपर 30% डिविडेंड बांटा 377 और बाकी पैसा रिटेन कर लिया, क्योंकि एचपीओ के पास कैपिटल अब कम है, 2062 ही है खाली, उस पे 25% कमाया तो कमाई भी कम हुई। अब 1516 का 70% भी डिविडेंड दे दो अगर आप, तो भी सिर्फ 361 बना। अब समझाना क्या है मुझे, वो ये समझाना है कि क्योंकि पैसा कम इन्वेस्टेड था तो इनकम भी कम हुई, और इनकम भी कम हुई तो उसका 70% देने के बाद भी, ये हरे पेन से देखिएगा, यहाँ पे कमाई 361 दी जा रही है और यहाँ पे डिविडेंड दिया जा रहा है 377। डिविडेंड सिर्फ 30% देती है कंपनी, ये 70% देती है। जो कंपनी कमाई करती है उसका 30% और 70% डिस्ट्रीब्यूशन है। ये डिविडेंड कम पे आउट करती है, ये डिविडेंड ज्यादा पे आउट करती है, लेकिन 11वें साल में ऐसा हो गया है कि डिविडेंड पर शेयर यहाँ पे 377 रुपीस दिया जा रहा है और यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर 361 रुपीस दिया जा रहा है। ज्यादा डिविडेंड कहाँ दिया जा रहा है बच्चों, यहाँ देने लगा है कंपनी, एलपीओ कंपनी देने लगी है। क्यों ऐसा हुआ कि ज्यादा डिविडेंड दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ डिविडेंड कम दिख रहा है, जबकि ये डिविडेंड तो कम पे आउट करती है, क्योंकि ये कंपनी रिटेन करती थी डिविडेंड, क्योंकि ये कंपनी अर्निंग्स को रिटेन करती थी, और अगले साल वो पैसा री इन्वेस्ट होता था कंपनी में और एक साइकिल बनता जा रहा था। ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होता जाएगा तो कमाई ज्यादा हो रही है, ज्यादा कमाई से में से थोड़ा सा भी बांटोगे तो भी वो हिस्सा ज्यादा बन के आया। 11th ईयर से क्या हुआ कि एलपीओ ने ओवरटेक कर लिया किसको, एचपीओ को। अब तो भैया बात साफ हो गई, अब तो अगले आने वाले सालों में 12वें साल में 13th ईयर 14th ईयर 15th ईयर में इस कंपनी की अर्निंग ज्यादा होती जाएंगी और इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो रही हैं और इसकी ज्यादा हो रही हैं। ये कंपनी शेयर होल्डर्स को फॉरएवर में देखा जाए, अगर लंबे समय का देखा जाए तो इस कंपनी से डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, इस कंपनी से डिविडेंड कम मिलेगा। और जिस कंपनी से डिविडेंड क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, ज्यादा होगा, उस कंपनी की औकात, उस कंपनी की शेयर के प्राइसेस भी आज ज्यादा होंगे, क्योंकि इस कंपनी से बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, इस कंपनी से बेनिफिट कम मिल रहा है शेयर होल्डर्स को। ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो शेयर प्राइस भी आज ज्यादा होगा। हेंस अब क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डिविडेंड सारा बांटना सही रहता है? नो, डिविडेंड को रिटेन करो, मैं गलत बोल गई, अर्निंग्स को रिटेन करो, उस पैसे को री इन्वेस्ट करो, उस पे ज्यादा कमाओ, ज्यादा कमाओगे तो कम भी दोगे तो भी वो ज्यादा लगेगा, हेंस डिविडेंड ज्यादा ही मिल रहा है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद। और हम यहाँ पे शेयर में इन्वेस्टमेंट एक दो साल के लिए नहीं कर रहे, हम इसको परसीव करते हैं फॉर अ फॉरएवर इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह। तो आपको यहाँ तक समझ आई बात? ओके, अब इस वाले एग्जाम्पल से हमें कुछ बातें समझ आई। अच्छा, एक और चीज समझानी है मुझे इसमें, यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, एक चीज देखिएगा इस वाली कंपनी में, देखिएगा एलपीओ में, एलपीओ में कितने प्रतिशत पैसा रिटेन किया जा रहा है, यहाँ पे देखिए कितना अर्निंग्स का कितना प्रतिशत रिटेन किया जा रहा है, 70%, है ना। एलपीओ कंपनी में अर्निंग्स का 70% रिटेन किया जा रहा है, ये सुनो, 70% जो रिटेन किया जा रहा है, जो भी पैसा रिटेन किया जा रहा है वो फिर री इन्वेस्ट किया जाता है बच्चों, और उस री इन्वेस्टेड पैसे के ऊपर कंपनी कमाती है कितना, 25%। तो अगर आप देखें, अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे 0.70 × 25% ये आ रहा है 0.17, दैट इज योर 17.5% इज द ग्रोथ ऑफ एलपीओ कंपनी। जो पैसा कंपनी रिटेन करेगी, अगर कंपनी पैसा रिटेन नहीं करेगी, सारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो कैपिटल हमेशा ही 1000 रुपए रहेगा, तो फिर हर साल कमाई भी 250 रुपए की होगी। ये जो हर साल कमाई बढ़ रही है बच्चों आपकी, 250 से कितनी हो गई 294 से कितनी हो गई 345 406, ये जो कमाई बढ़ रही है, अगर आप चेक करेंगे 294 की कमाई हुई माइनस 244 रुपीज की कमाई हुई, बेस था 250 × 100, ये आया 17.6% से आपकी कमाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यस और नो।
अप्रोक्सीमेटली 17.5% से आपकी कमाई क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। आपके पिछले साल से कमाई इस साल क्यों बढ़ गई है? क्योंकि पिछले साल की हुई इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है, और जो इन्वेस्टमेंट 70% से बड़ी है उसके ऊपर 25% कंपनी कमाई करती है। सो बेसिकली द ग्रोथ ऑफ एलपीओ इज 17.5, दिस इज जी ग्रोथ रेट। अगर मैं एचपीओ की बात करूं तो एचपीओ कितना रिटेन करता है पैसा? 30%, और वो भी अपने पैसे पे कितना कमाता है? 25%। तो अगर मैं एचपीओ की बात करूं बच्चों, तो एचपीओ 30% कमाता रिटेन करता है, और उसके ऊपर कितना कमाता है? 25%। तो अगर मैं देखूं इसको, तो ये निकल के आ रहा है 0.075, विच इज 7.5%। एचपीओ की जो ग्रोथ है वो सिर्फ 7.5% है। पिछले साल की कमाई और अगले साल की कमाई सिर्फ 7.5% बढ़ रही है एचपीओ की, क्योंकि वो कम पैसा रिटेन करेगा। दोनों कंपनियां अपने पैसे पे बच्चों 25% ही कमाती है, लेकिन जब वो लागत ही कम लगाएगा तो फिर प्रतिशत कमाई भी तो कमी होगी। ये जो मैंने ग्रोथ रेट निकाला, अगर इसका मुझे फॉर्मूला बनाना हो और मैं आपसे कहूं बच्चों कि सपोज मैं ऐसे लोगों दे दूं, बी इज इक्वल टू रिटेंशन रेशियो एंड आर इज रेट ऑफ रिटर्न, तो जरा बताएंगे आप फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों? व्हाट इज दिस 70% एंड 30%, दिस इज द रिटेंशन, सॉरी रिटेंशन, एंड व्हाट इज दिस 25%, दिस इज द रेट ऑफ रिटर्न। सो बी इंटू, अगर हम क्या करें, बी इंटू आर करें, तो आपका जी निकल के आता है। व्हाट इज दिस जी? दिस इज द ग्रोथ, कंपनी की अर्निंग्स में कितनी ग्रोथ आ रही है। अर्निंग्स में ग्रोथ क्यों आ रही है? क्योंकि कंपनी रिटेन कर रही है पैसा, और कंपनी रिटेन कर रही है उसके ऊपर कंपनी कमा रही है रिटर्न। जितना रिटेन करेगी उसके ऊपर कमाएगी, ज्यादा रिटेन करेगी। जैसे एलपीओ जो है वो 70% रिटेन कर रहा था, उसके ऊपर कंपनी 25% कमा रही थी, तो ये आया 17.5%। जो आपका एचपीओ है वो खाली रिटेन 30% कर रहा था, बाकी 70% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था एज डिविडेंड, उसके ऊपर कंपनी 25% कमा रही थी, तो एचपीओ की ग्रोथ सिर्फ 7.5% आई। ग्रोथ कम होगी तो डेफिनेटली धीरे 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 कमाई कम होगी, तो फिर डिविडेंड भी बढ़ेगा कम, और अल्टीमेटली डिविडेंड ज्यादा मिलेगा तभी शेयर का प्राइस ज्यादा होगा। शुरुआत में डिविडेंड ज्यादा दिया एचपीओ ने, शुरुआत में डिविडेंड, लेकिन एक टाइम के बाद एलपीओ ने ओवरटेक कर लिया। अब हमेशा एलपीओ का डिविडेंड क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। समझ आई यहां तक बात? ठीक है, इस पेज को कॉपी कीजिए। तो हमारा ये वाला कंसेप्ट हो गया। कंसेप्ट क्या है? ये बेसिकली कंसेप्ट नहीं है बच्चों, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है जो हम आपका डेवलप कर रहे हैं। अभी तो क्वेश्चन जो पेपर में आएगा कहीं ना कहीं ये जी भी इस्तेमाल होगा। तो अब मैंने आपको बता दिया जी इज इक्वल टू बी इंटू आर, बी इज योर रिटेंशन रेशियो एंड आर इज योर रेट ऑफ रिटर्न। ये समझाना था, मैंने समझा दिया, लेकिन आपको अभी हमें जो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है वो भी करनी है। उसमें हम पढ़ेंगे डिविडेंड मॉडल्स, पर वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा और आपका माइंड फ्रेम तैयार करना पड़ेगा। दिस इज ऑल रेलिवेंट, इससे भी क्वेश्चन निकल के आते हैं, प्लस डिविडेंड मॉडल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले इसे नोट डाउन कीजिए। हाँ जी सर, अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस अपना और डेवलप करते हैं हम लोग। मैं कुछ लिख रही हूँ, पहले आप उसे कॉपी कीजिए, ठीक है, फिर समझाती हूँ मैं। पहले आप कॉपी कीजिए, मैं कुछ नोट्स लिखवा रही हूँ, उसके बाद मैं उसको लेके समझाऊंगी।
हाँ जी लिखिए जरा कंसेप्ट जो पढ़ने वाले हैं, ऑल और नथिंग अप्रोच। मैं पहले इसलिए लिखवा रही हूँ कि फिर समझाने के बाद शीट खराब हो जाती है, तो पहले आप लिख लीजिए जो मुझे पढ़ाना है। ऑल और नथिंग अप्रोच, हाउ मच डिविडेंड शुड वी डिक्लेयर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न के ई। बेसिकली इट्स हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फॉर द कंपनी इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। दूसरा लिखिए रिटर्न दैट कंपनी अर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर समझाती हूँ मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेसिकली ये क्या है सुनिए। एक बंदा मैं पढ़ा रही हूँ, चलो जो ये तो समझ, दो बातें समझा चुकी हूँ मैं। शेयर का दाम बढ़ता घटता है, शेयर का दाम आज की तारीख में निर्भर करता है आने वाले वक्त में उस शेयर से क्या बेनिफिट मिलेगा। आने वाले वक्त में शेयर से जो बेनिफिट मिलेगा वो होता है डिविडेंड। तो मैंने आपको बताया डिविडेंड मिलेगा तो शेयर का दाम आज बढ़ेगा। फिर हमने बात की कि क्या सारा डिविडेंड बांट दे कंपनी जो भी कमाई करती है, तो हमने बताया नहीं जी, रिटेन करो। रिटेन करने से क्या होता है कि आगे चल के लॉन्गर टाइम पीरियड में आपको अर्निंग ज्यादा ही डिस्ट्रीब्यूट होगी। इवन परसेंटेज वाइज कम दिखेगी कि 30% इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन क्योंकि कंपनी कमाई बढ़ जाएगी तो वो डिविडेंड ज्यादा ही दे रही होगी। ठीक है जी, कंपनी को पैसा रिटेन भी करना चाहिए। अब सवाल आता है कि डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जाए। ये तो समझ आ गया कि रिटेन करना चाहिए, अब कितना प्रतिशत डिक्लेयर किया जाए डिविडेंड। तो उसमें पहली अप्रोच है ऑल और नथिंग अप्रोच। हाउ मच डिविडेंड शुड वी डिक्लेयर, क्या हम सारा डिविडेंड दे दें, क्या सारी अर्निंग जो भी हुई हमारी वो सारा दे दें, जो भी सारी अर्निंग हुई है वो सारी की सारी डिविडेंड दे दें हम लोग, या जितनी अर्निंग हुई है कुछ भी ना दें, कुछ भी मत दो, सारा का सारा सब कुछ रख लो, मत दो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। ऑल और नथिंग, क्या 100% पे आउट रखें या 0 पे आउट। तो वही हम कुछ बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि डिविडेंड देना है जी, जरूरी है देना है, तो कितना देना है इसकी बात कर रहे हैं। उसमें पहली अप्रोच हम कर रहे हैं ऑल और नथिंग अप्रोच। उसके लिए मुझे दो चीजें समझानी है, पहले ये समझ लीजिए क्या है ये है के ई, ये है आर। कंपनी अपने पैसे के ऊपर, अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जितना प्रतिशत कमाती है उसे बोलते हैं आर, रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी अपने पैसे के ऊपर जितना कमाती है उसे बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न दैट कंपनी अर्न्स ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगा रहा है, सपोज कंपनी अपने पैसे पे कमाती है 18%, लेकिन जो इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगा रहा है उसे भी तो कंपनी से कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी कि मुझे कम से कम 16% तो रिटर्न मिलनी ही चाहिए, 20% कम से कम मिलनी ही चाहिए, 12% मिलनी ही चाहिए। अगर मैंने अपना ये पैसा कहीं और लगाया होता तो 15% तो मैं कमा ही लेता। जो इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर खरीदते वक्त कि मुझे अपने इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो मैंने लागत करी है आज, जो
जो इक्विटी शेयर को खरीदने में पैसा लगाया उस पर जो रिटर्न मुझे मिलनी ही चाहिए उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए कंपनी उतना देगी, कंपनी जो उनको देगी वो कंपनी के लिए कॉस्ट हो गई, तो उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट अ सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न, बेसिकली इट्स हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि अगर वही पैसा शेयर में ना लगा के इन्वेस्टर ने कहीं और लगाया होता, वो वाली अपॉर्चुनिटी से जो कमाई हो रही होती, वो अपॉर्चुनिटी छोड़ के इन्वेस्टर ने शेयर में पैसा लगाया है, तो कितना अब वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एंड जो इन्वेस्टर चाह रहा है वो कंपनी के लिए तो कॉस्ट हो गई ना, जो इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पूरी करनी पड़ेगी, अगर नहीं पूरी करोगे तो वो छोड़ के चलता बनेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को पूरी करने के लिए जो कंपनी को देना पड़ रहा है वो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ क्या हो गई, इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठाने की कॉस्ट। इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा रेस कंपनी ने किया, अब कंपनी को शेयर होल्डर्स को रिटर्न देनी पड़ रही है, रिटर्न तो शेयर होल्डर के लिए हुई लेकिन कंपनी के लिए तो वो क्या हो गई, एक तरह से कॉस्ट हो गई। ठीक है जी, ओके जी, अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ, सुनिएगा, लिख तो आपने लिया था ये, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सपोज इक्विटी शेयर होल्डर, पहला केस है बच्चों, सपोज इक्विटी शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पैसे के ऊपर 18% रिटर्न, और कंपनी अपने पैसे पे रिटर्न कमा लेती है 25%। ओए हो, शेयर होल्डर सिर्फ कितना चाह रहे हैं, 18%, और कंपनी तो उन्हीं के पैसों पे प्रोजेक्ट्स में लगा लगा के, अलग अलग जगहों पे बिजनेस में लगा लगा के कितने प्रतिशत कमा लेती है कंपनी, 25%। तो बताइए डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया जाए, क्या इक्विटी शेयर होल्डर चाहेंगे अपना, सपोज कंपनी ने जो अर्निंग करी, सुनिएगा ध्यान से बच्चों, कंपनी ने जो अर्निंग करी पैसे के ऊपर, जो क्या जो शेयर होल्डर ने पैसा दे रखा है उस पर जो कंपनी ने अर्निंग करी, वो अर्निंग अगर इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएंगे एज क्या, डिविडेंड, तो वो डिविडेंड को शेयर होल्डर क्या करेगा, एक शेयर होल्डर डिविडेंड लेके क्या करेगा, वो कहीं और लगाएगा उस डिविडेंड के पैसे को। शेयर होल्डर अपने पैसे पे कितना रिटर्न चाहता है, 18%, और कंपनी कहती है कि मैं खुद तुमको कितना कमा के दे सकती हूँ, 25%। तो शेयर होल्डर बोलेगा भाई तू मुझे डिविडेंड मत दे, तू मेरा ही पैसा, मेरा ही डिविडेंड अपने पास कंपनी तू रख, तू उसी पैसे को इन्वेस्ट कर, कंपनी को बोलेगा शेयर होल्डर, और उस पैसे पे कितना कमा के दे तू मुझे, 25%। शेयर होल्डर खुद चाहेगा कि कंपनी इस पैसे को अपने पास रखे और 25% कमाती रहे, इसका मतलब शेयर होल्डर खुद चाहेगा कि तुम मुझे डिविडेंड मत दो, शेयर होल्डर चाहेगा, शेयर होल्डर कहेगा कि तुम इस पैसे को क्या करो, रिटेन करो, मेरे लिए रिटेन्ड अर्निंग की तरह रखो, और उस पैसे पे कितना कमाओ, 25% कमाओ, क्योंकि मैं तो खाली इस पैसे को कहीं और लगाता तो कितना कमाता, सिर्फ 18%। और कंपनी खुद ही एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है अपने में। हेंस इस केस में जहां के ई इज लेस देन आर, देन डिविडेंड पे आउट शुड बी निल, डिविडेंड पे आउट शुड बी निल। लेकिन अगर दूसरा केस, ऐसी कंपनियों को बोलते हैं बच्चों ग्रोइंग कंपनी। ग्रोइंग कंपनी क्यों, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी ग्रो कर रही है, कंपनी जो रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रही है वो रेट ऑफ रिटर्न कंपनी जो अर्न कर रही है इट इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द कंपनी। अच्छा, अगर इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18% और कंपनी सिर्फ कमा पा रही है 16%, व्हेन के ई इज ग्रेटर देन रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कंपनी, देन तो शेयर होल्डर कहेगा ना कि भैया तू जो भी कमाए कंपनी, तू प्लीज हमारे को सारा का सारा पैसा एज डिविडेंड दे दो, क्योंकि अगर हमने वही पैसा तुम्हारी कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तुमने अगर हमें डिविडेंड नहीं दिया तो सारा पैसा रिटेन कर लोगे, कंपनी का रिटेन कर लेगी, रिटेन करके उस पे कितना कमाई, खाली 16%, जबकि खुद शेयर होल्डर इस पैसे पे कितना कमा सकता है बाहर जाके, 18%। तो शेयर होल्डर कहेगा कि प्लीज आप हमें हमारी जो भी कंपनी अर्निंग कर रही है वो सारी की सारी डिविडेंड की तरह बांट दे, डिविडेंड पे आउट कितना रखो, समझते हो आप, पे आउट कंपनी जो कमाती है अगर सारा 100% क्या कर दे, पे आउट कर दे एज डिविडेंड, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर खुद कहेगा कि मैं इस पैसे से बाहर कहीं और इन्वेस्ट करके अच्छा कमा लूंगा।
ऐसी कंपनियों को बोलते हैं डिक्लाइनिंग कंपनी, क्योंकि कंपनी उतना भी नहीं कमा पा रही जितना इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर कहेगा प्लीज डू नॉट रिटेन माई मनी, डू नॉट रिटेन माई अर्निंग, गिव मी माई बैक माई ऑल अर्निंग्स, आई विल अर्न माई सेल्फ ऑन ऑन दोज अर्निंग्स। सो इन दिस सिचुएशन द डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड बी 100%। थर्ड केस, के ई इज 18%, इक्विटी शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट करें 18%। मान लीजिए रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो 18%, कंपनी कमाती भी कितना है 18%, और इक्विटी शेयर होल्डर की उम्मीद भी कितनी है 18%। अब इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इनडिफरेंट हैं, तुम चाहो तो रिटेन कर लो पैसा और 18% कमा लो उसके ऊपर, चाहो तो हमें एज क्या दे दो, डिविडेंड दे दो, हम खुद उस पे कितना बाहर कहीं और इन्वेस्ट करके कमा लेंगे 18%। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स इनडिफरेंट कि वेदर यू पे और यू डू नॉट पे, जितना भी पे करोगे वो सब ऑप्टिमम ही माना जाएगा। कम पे करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि अगर तुमने कम पे किया और बाकी सारा रिटेन कर लिया तो कंपनी उस पे भी कितना कमा रही है 18%। कंपनी जितना कमाती है वो ज्यादा पे कर दे, जितना कमा रही है सारा ही दे दे इक्विटी शेयर होल्डर को, वो तब भी खुश है। सो एनी पेमेंट मेड टू इक्विटी शेयर होल्डर इज ऑप्टिमम पेमेंट। व्हाट डिड आई से, जो भी अर्निंग्स कंपनी करी है, सपोज 100 लाख की अर्निंग करी, ठीक है, तो 100 लाख की अर्निंग में से कंपनी ने कहा 60% डिविडेंड देंगे, 60 लाख का डिविडेंड देंगे और 40% हम रिटेन कर लेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर खुश हैं, क्योंकि जो अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाएगी उस पर भी वो कितना कमा लेंगे 18% कहीं और इन्वेस्ट करके, और जो कंपनी ने रिटेन कर लिया उस पर भी कंपनी कितना कमा के देगी अगले साल 18%। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी पेमेंट मिले वो उनके लिए ऑप्टिमम है, बेस्ट पेमेंट है। सो अब केसेस क्या बन गए, दे आर थ्री केसेस, ऑल और नथिंग अप्रोच, या तो सारा डिविडेंड दो या कुछ मत दो, और ये तीसरा केस है। इफ द कंपनी इज ग्रोइंग कंपनी, कंपनी ग्रो कर रही है तो हमें क्यों दे रहे हो डिविडेंड, हमारा पैसा अपने पास रखो ना, सारा का सारा रिटेन करो, डिविडेंड पे आउट क्या होना चाहिए, नील। अगर कंपनी डिक्लाइनिंग कंपनी है, कंपनी की कमाई कम है, तो फिर तो भैया सारा डिविडेंड दे दो, 100% पे आउट कर दो भैया हम। और अगर के इज इक्वल टू आर, देन दैट केस एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज ऑप्टिमम पेमेंट, इज इट गुड, फेयर इनफ। अब एक काम करते हैं, ये जो हमने लिखा है इसको ठीक से लिखवाते हैं, उसे कॉपी कीजिएगा आप ना अच्छे से शीट के ऊपर, सो कि नोट्स आपके पास ठीक से रहे। मैं स्क्रीन बड़ी कर देती हूँ बच्चों, फिर आप नोट डाउन करेंगे नोट्स, ठीक है। हाँ जी, लिखिए जरा नोट्स, लिखिए जरा रूल। ग्रोइंग कंपनी इफ व्हाट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट के is greater less than what company earns, optimum payout ratio will be nil, 0%. Reason, investor would be better off by letting his money lie with the company rule number 2 declining company if what investor expect KE is greater than what company earns, optimum payout ratio is 100%. Reason, investor would be better off taking away
हिज मनी फ्रॉम कंपनी। कॉपी कर लीजिए इसको, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए बच्चों। हाँ जी, अभी दो रूल हुए, अब तीसरा रूल लिखिए। रूल थ्री, नॉर्मल कंपनी। इफ व्हाट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट इज इक्वल टू व्हाट कंपनी earns, any payout is the optimum payout. Reason investor is indifferent as to where his profits lie with the company or with himself. कॉपी कर लीजिए इसको। हाँ जी स्टूडेंट्स, कॉपी किया इस। चलिए अब आते हैं एक नए कंसेप्ट पे। उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद हम फिर जाएंगे डिविडेंड मॉडल्स पे, क्या होता है डिविडेंड मॉडल्स तब पढ़ेंगे। पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और रह गया है, वो पढ़ लेते हैं। दो कंसेप्ट रह गए रेदर, एक है हमारा कंसेप्ट डिविडेंड, लिखिए जरा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एक्चुअली क्या हुआ था बच्चों, इफ आई टेल यू, एक 19, लेट मी टेल यू द डेट ऑल्सो, 1997 के बजट में एक बहुत अच्छा क्या कह लीजिए लॉ आया था कि जो टैक्स है डिविडेंड, डिविडेंड इनकम है, डिविडेंड जो इनकम है इस पे टैक्स कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को, इस इनकम के ऊपर। ये डिविडेंड कौन पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है, कंपनी पे कर रही है टू द शेयर होल्डर, तो शेयर होल्डर को ये इनकम हो रही है। तो पहले क्या होता था कि जिसकी इनकम वो टैक्स पे करेगा, तो शेयर होल्डर इस इनकम के ऊपर टैक्स पे किया करता था। जब से ये लॉ पास हुआ 1997 में, जो काफी अच्छा लॉ था, बजट में आया कि भाई अब जो है टैक्स जो पे करेगा डिविडेंड के ऊपर वो कंपनी पे करेगी, मतलब जहां से ये इनकम का सोर्स है वहीं पे टैक्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। कंपनी इज लायबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स who are supposed to receive the tax income. तो शेयर होल्डर को भी आजादी मिल गई, गवर्नमेंट भी खुश हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट को ईज रहा, कन्वीनियंस रहा टैक्स कलेक्ट करने में। अब एक ही साइड कंपनी जो है टैक्स डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले ही टैक्स काट लेगी। अगर मान लीजिए 10% का टैक्स है, 100 रुपए का डिविडेंड है, तो 100 रुपए में से 10% 10 रुपीज कट के 90 रुपए ही किसको मिलेंगे, शेयर होल्डर को मिलेंगे। शेयर होल्डर को फिर कोई टैक्स नहीं पे करना उसके ऊपर, शेयर होल्डर को एक फीलिंग आ जाती है कि ओहो मुझे तो टैक्स फ्री इनकम मिल रही है। ऐसा नहीं है कि उसको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, उसकी इनकम पे टैक्स कट चुका है, उसे दोबारा टैक्स नहीं पे करना उस पे। तो
तो उसको ऐसी फील आ जाती है कि उसको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, लेकिन कंपनी ने 90 रुपए शेयर होल्डर्स को दिए और 10 रुपए गवर्नमेंट को क्या दिया, टैक्स। कंपनी के दिमाग में ये रहता है कि हमने तो 100 रुपए का ही डिविडेंड दिया है। कंपनी के लिए एक तरह से जो कॉस्ट रही वो रही 100 रुपए, कंपनी ने डिविडेंड 100 रुपए ही दिया है। वो तो शेयर होल्डर्स का इनकम के ऊपर टैक्स बनता था जो कंपनी ने शेयर होल्डर के बिहाफ पे टैक्स जमा कर दिया, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड 100 रुपए दिया है। कंपनी के हिसाब से शेयर होल्डर को जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो 100 रुपए हुई है। तो अब एक बात बताइए, जब मैं शेयर का प्राइस निकालती हूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि जो भी शेयर का प्राइस है, अगर ग्रोइंग परपेचुटी का केस हो, ग्रोइंग परपेचुटी बताया था ना, तो जो भी डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, जो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी होगा प्लस ग्रोथ रेट, याद आया कुछ कुछ बताया था, जो भी कंपनी डिविडेंड देगी उसी डिविडेंड, याद है परपेचुटी, हर साल कंपनी डिविडेंड देगी, हर साल कंपनी का डिविडेंड बढ़ेगा, ग्रो करेगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसको पढ़ाया था। तो कंपनी जो डिविडेंड देगी वो डिविडेंड यहाँ पे कंपनी कंपनी जब शेयर का क्या, जब शेयर का प्राइसिंग करोगे आप, तो ये मत कहो कि डिविडेंड 90 रुपए का है। नो, डिविडेंड 90 रुपए का नहीं है, 90 जमा 10 रुपए का डिविडेंड है, मिला के 100 रुपए का डिविडेंड है। टैक्स को जोड़ के चलना है आपको, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT को जोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि टैक्स जो है वो तो शेयर होल्डर का था, कंपनी तो अपनी तरफ से क्या दिया है, डिविडेंड दिया है। तो कंपनी यहाँ पे कहेगी कि हमने आपको 100 का डिविडेंड दिया है, उस हिसाब से शेयर का आज दाम निकालो आप। तो ठीक है, 90 प्लस 10, तो अपॉन TVM प्लस जी। व्हाट इज TVM बच्चों? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? जिस स्पीड से पैसे की औकात बढ़ रही है। KE आएगा यहाँ पे। KE क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। भाई जिस इक्विटी जो है, इक्विटी शेयर प्राइसेस के दाम निर्भर करते हैं, जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलेगा, जो बेनिफिट मिलेगा, और पैसे की वैल्यू, आज जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में डिविडेंड की तरह फॉर्म में मिलेगा हमें, बेनिफिट में। तो पैसे की वैल्यू जिस रेट से बढ़ रही है वो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ इससे स्पेशल लेक्चर में। तो मेरे को समझाना क्या है इसमें, इसमें ये समझाना है कि अगर क्वेश्चन में DDT दे रखा हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे रखा हो, तो जब आप क्या निकालें, शेयर का प्राइस निकालें, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाले, तो ऊपर आप लिखेंगे जो फ्यूचर में क्या मिलने वाले हैं, डिविडेंड, अपॉन KE माइनस जी लिखेंगे। KE इज नथिंग विच इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं इस समय कौन सा केस लेके चल रही हूँ, अगर कौन सा केस हो बच्चों, ग्रोइंग परपेचुटी का। अगर कौन सा केस हो, खाली परपेचुटी का केस हो, मैंने ये सब सिखा रखा है फर्स्ट वीडियो में। तो MPS वुड बी डिविडेंड अपॉन KE। अगर कोई डिविडेंड फॉरएवर तक मिलने वाला है तो उसकी आज वैल्यू निकालनी हो तो यही होता है। अब जो डिविडेंड है, मैंने जो अभी सिखाया वो ये सिखाया है कि जो डिविडेंड है बेसिकली डिविडेंड प्लस DDT ले लेना आप लोग। अगर क्वेश्चन में टैक्स भी दे रखा हो तो वो जोड़ लीजिएगा, क्योंकि जो टैक्स कंपनी ने दिया है वो कंपनी का टैक्स नहीं था, वो शेयर होल्डर का टैक्स है। कंपनी तो उसको क्या मान के चल रही है कि हमने तो क्या दिया, शेयर होल्डर को डिविडेंड, पर शेयर होल्डर के बिहाफ पे हमने टैक्स जमा कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक इसका एक क्वेश्चन करते हैं, पर पहले इसको लेके मुझे कुछ नोट्स लिखवाने हैं, तो वो आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन कीजिए पहले नोट्स, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। हाँ जी, इसको लेके लिखिए जरा एक चीज। डिविडेंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स DDT एंड इट्स इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिविडेंड नॉट टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, टैक्स इन हैंड्स ऑफ कॉर्पोरेट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ डिविडेंड्स। इसे लिखिए, इसके बाद लिखिए जरा। हाँ जी लिखिए जरा, बेनिफिट ऑफ डीडीटी। दो बेनिफिट हैं, गवर्नमेंट एंश्योर्स कन्वीनियंस बाय कलेक्टिंग टैक्स एट वन पॉइंट, दैट इज सोर्स इन्वेस्टर गेट अ फील ऑफ टैक्स फ्री इनकम इन रियलिटी इन्वेस्टर इज इनडायरेक्टली टैक्स्ड बिकॉज कंपनी वुड हैव अदरवाइज पेड हिम अ अमाउंट। इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और कॉपी कीजिए, स्क्रीन को पॉज कर लीजिए बच्चों और कॉपी करिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है वो देखिए जरा, कंसेप्ट प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए जरा। एक्स लिमिटेड, ये डीडीटी का क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। एक्स लिमिटेड विल पे ₹6 एज डिविडेंड 1 ईयर फ्रॉम टुडे। करंट, एक सेकेंड, डिविडेंड कितना दिया जाएगा एक साल बाद, D1 लिख दिया मैंने, ₹6। इसके बाद लिखा हुआ है द करंट मार्केट प्राइस, अभी क्या चल रहा है, करंटली मार्केट प्राइस चल रहा है ₹90। दिस डिविडेंड इज विल ग्रो एट 5% एनुअली फॉर एवर। ग्रोथ रेट दे रखी है आपको, कितनी ग्रोथ रेट दे रखी है बच्चों, 5% एनुअली चलेगा फॉर एवर तक। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज 15% ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, पहले तो मैं टैक्स की बात करूं, डीडी कितना देना पड़ेगा, जितना डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसका 15%। तो ₹6 का 15% अगर आप निकालेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो ये निकल के आएगा आपका बच्चों, 6 का 15% अगर आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगा ₹0.90। क्वेश्चन ने पूछा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, के ई निकालिए। एक फॉर्मूला हमने आपको सिखाया है आज शेयर का दाम जो है, क्योंकि ये केस कौन सा केस है बच्चों, ग्रोइंग परपेचुटी का केस है, ग्रोइंग परपेचुटी का ये केस है। तो मैंने क्या फॉर्मूला सिखा रखा है, मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन के ई माइनस जी, के ई नथिंग एम टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, के ई निकाल सकते हैं। अगर मैंने क्वेश्चन में कहा था डी डी टी दे रखा हो तो इसमें जोड़ दीजिएगा, यही कहा था आप लोगों से मैंने, क्योंकि ऊपर आना चाहिए जो हर साल शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा उसी के हिसाब से आज का मार्केट प्राइस। कंपनी तो शेयर होल्डर को सिर्फ ₹6 नहीं दे रही, ₹6 प्लस 90 पैसे मिलाकर दे रही है ना,
वो अलग बात है कि शेयर होल्डर अपना टैक्स दे रहा है कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से अगर मैं निकालूं के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालूं तो कैसे निकालूंगी, ये चीज यहां ले जाती हूं, के ई माइनस जी इज इक्वल टू डिविडेंड प्लस डीडीटी अपॉन एमपीएस। ये ग्रोथ रेट वहां जाके प्लस हो जाएगा बच्चों, है ना। थोड़ा सा शीट ऊपर कर रही हूं मैं। हाँ जी, डिविडेंड प्लस डीडीटी अपॉन एमपीएस प्लस ग्रोथ रेट, सही किया मैंने। अब लिखते हैं डिविडेंड कितना था हमारा, 6 रुपया। डीडीडी कितना था हमारा, 0.90 रुपीज। अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 90 रुपए। देख लीजिए मार्केट प्राइस एक शेयर का कितना दे रखा था, 90 रुपए। ग्रोथ रेट आपको पता ही है 5% है। हाँ जी, इसका परसेंटेज निकालेंगे पहले तो, प्लस ग्रोथ रेट 5% जोड़ देंगे। तो अगर मैं कंप्यूटेशन करूं बच्चों इसकी, 6 प्लस 0.90, 6.90 डिवाइडेड बाय 90 × 100, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7.6% प्लस 5%, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 12.67%। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। समझ आई यहां तक बात, इसे कॉपी कीजिए, पहले ऊपर से कॉपी कीजिए, इसे कॉपी कीजिए पहले। ऊपर की तो बच्चा बच्चा ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। कंसेप्ट प्रॉब्लम नंबर ये कौन सा है आपका, कंसेप्ट प्रॉब्लम है ये आपकी 6। इसके बाद इसको ऐसे कॉपी कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कीजिए। स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए आइए, ये तो था एक छोटा सा कंसेप्ट डीडीटी का। वेल एंड हो गया, निपट गया, खत्म। एक छोटी सी बात और बतानी है, वो बता देती हूँ, फिर उसके बाद जाएंगे डिविडेंड मॉडल्स के ऊपर, ठीक है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सिंपल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपना किस चीज के ऊपर, हम आते हैं कुछ एक छोटा सा कंसेप्ट है डेट्स रिलेटेड टू डिविडेंड्स। जरा देखिएगा यहां पे, यहां पे लिखिए, नोट डाउन कीजिए, फिर शीट खराब हो जाएगी, तो पहले नोट डाउन कर लीजिए फिर मैं समझाती हूँ। नोट डाउन कीजिए, हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए जरा क्या है ये डेट्स रिलेटेड टू डिविडेंड। सो कुछ नहीं है, क्या होता है कि जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी कि हम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को, ऐसा नहीं होता कि डिक्लेयर किया और डिविडेंड मिल गया शेयर होल्डर को। डिविडेंड डिक्लेयर करने की डेट और डिविडेंड रिसीव करने की डेट, या मैं बोलूं पेमेंट करने की डेट अलग होती है। डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर होता है वो डेट अलग है, और जिस दिन पेमेंट भिजवाई जाती है कंपनी की डेट वो अलग होती है। इस बीच में और भी डेट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है रिकॉर्ड डेट। सपोज अगर मैं बोलूं ये था आपका, लेट अस से ये था आपका 10th of August, और ये है मान लीजिए लेट से 30th अगस्त को पेमेंट जाएगी। अगर मैं यहां लिखूं ये है 20th अगस्त, ये रिकॉर्ड डेट क्या है, मतलब समझिए 20 अगस्त तक कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में जिन जिन लोगों का नाम चढ़ चुका होगा, इस तारीख तक जिन जिन ना लोगों का नाम रजिस्टर में होगा, दोस पीपल विल बी एलिजिबल फॉर द डिविडेंड। जिन लोगों ने इस तारीख तक
20 अगस्त तक जिस दिन रजिस्टर क्लोज होगा, मेंबर्स के नाम का रजिस्टर क्लोज होगा, उस दिन तक जिन जिन का नाम चढ़ा होगा उन सब लोगों को डिविडेंड मिलेगा पिछले एक साल का या पिछले 6 महीने का, जो भी ड्यूरेशन का डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। अब ये दो डेट्स क्या है वो ध्यान सुनिएगा। लास्ट कम सपोज अगर मैं बोलूं ये है 16 अगस्त, क्या मतलब 16 अगस्त का लास्ट कम डिविडेंड और ये है एक्स डिविडेंड। जिन लोगों ने, मैं इसकी बात कर रही हूं कम डिविडेंड डेट की, जिन लोगों ने 16 अगस्त तक शेयर्स खरीदे हैं स्टॉक एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से बच्चों जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं 16 अगस्त तक, उन्होंने सिर्फ शेयर्स ही नहीं खरीदे हैं, दे हैव गॉट द राइट ऑफ शेयर एज वेल एज राइट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। व्हाट डिड आई से, जिन लोगों ने इस दिन तक शेयर्स खरीदे हैं दे हैव द राइट टू राइट ऑफ शेयर, राइट ऑन शेयर्स, उनको शेयर तो मिला ही मिला है, साथ में दे हैव अ राइट ऑफ डिविडेंड। सपोज कंपनी ने एक साल का डिविडेंड डिक्लेयर किया था 10 अगस्त को और आप में से किसी ने 14 अगस्त को शेयर खरीदा, तो 14 अगस्त को जो व्यक्ति शेयर खरीद रहा है उसको शेयर का शेयर तो मिल ही गया, साथ में उसको राइट मिल रहा है कि पिछले एक साल पहले का वो क्या मिलेगा, उसको डिविडेंड मिलेगा। इसका मतलब जो व्यक्ति 16 अगस्त या 14, मान लीजिए आपने 14 अगस्त को शेयर बाय किए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज से, तो आपको शेयर का प्राइस थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा क्योंकि आप तो 14 अगस्त को शेयर खरीद रहे हो 16 अगस्त से पहले, और आपको अब डिविडेंड भी मिलेगा, तो आपको शेयर भी मिल रहा है और पिछले एक साल का डिविडेंड आपको मिल रहा है जबकि आपने एक साल पहले तो शेयर खरीद भी नहीं रखा था। तो जो लोग शेयर यहां खरीदते हैं लास्ट कम डिविडेंड डेट पे खरीदते हैं उनको दो दो चीजें मिल रही होती हैं, और अगर दो दो चीजें मिलेंगी, बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, तो शेयर का प्राइस थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन 16 अगस्त के बाद जो लोग शेयर खरीदेंगे, लेट मी पुट लाइक दिस वे, सपोज दिस इज 17 अगस्त, दोस पीपल हु विल बाय शेयर्स आफ्टर 17 अगस्त, दे आर बाइंग ओनली शेयर्स, दे डू नॉट हैव द राइट ऑन द डिविडेंड। इसे बोलते हैं लास्ट एक्स डिविडेंड डेट। जो लोग 17 अगस्त के बाद शेयर खरीदेंगे उनको डिविडेंड हासिल करने का राइट नहीं है, जो ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है ये वाला, उनका नाम नहीं चढ़ेगा इस रजिस्टर के अंदर 20 अगस्त तक, क्योंकि 20 अगस्त तक जिनका नाम चढ़ेगा उनको डिविडेंड मिलेगा। सो एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर खरीदते हो तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो अगर आप 17 अगस्त के बाद, मान लो आपने 18 अगस्त को स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदा, स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदा, आपने ये शेयर जो खरीदा है ये लास्ट एक्स डिविडेंड डेट के बाद खरीदा है, तो आपको सिर्फ शेयर मिलेगा, आपको डिक्लेयर डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ शेयर मिलेगा, डिक्लेयर्ड डिविडेंड नहीं मिलेगा, बाद के डिविडेंड्स मिल जाएंगे लेकिन ये वाला डिक्लेयर्ड डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो आपका शेयर का प्राइस कंपेरेटिवली पहले के शेयर के प्राइस से थोड़ा कम होगा, क्योंकि आपको बेनिफिट अब कम मिल रहा है, बेनिफिट कम मिला तो शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। इसका मतलब कैन आई से कि एक्स डिविडेंड डेट के बाद शेयर का प्राइसेस कम हो जाते हैं और लास्ट कम डिविडेंड डेट से पहले शेयर के प्राइसेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति इससे जस्ट पहले खरीद रहा होता है उसे सिर्फ शेयर ही नहीं मिल रहा होता, उसे शेयर के साथ शेयर का डिविडेंड जो डिक्लेयर्ड है वो भी मिलेगा, पुराना डिविडेंड मिल रहा है जब तक कि आपके पास शेयर भी नहीं था उस वक्त। यहां तक समझ आई बात? So these are few dates, declaration date, last come dividend date. So I would repeat once again, declaration date is a date when the dividend is declared by the company. Last come dividend date is a date by which if you buy a share, you are eligible for the share as well as the dividend declared. If you buy a share after last X dividend date, you will not be eligible for the declared dividend. Anybody whose name is, अच्छा ये रिकॉर्ड डेट से पहले के ही होता है डेट, एक्स डिविडेंड डेट, ये इतना गैप क्यों होता है, सो दैट कि किसी व्यक्ति ने शेयर खरीदा, पहले खरीदा 16 अगस्त से पहले खरीदा और उसका नाम अभी तक रजिस्टर में नहीं चढ़ा, तो वो आके अपना नाम रजिस्टर में चढ़ा ले। दोबारा बोलती हूँ, ये डेट्स पहले क्यों होती है इससे, क्योंकि
आपने अगर 16 अगस्त से पहले शेयर खरीदा है, 14 अगस्त को खरीदा, तो अभी आपका नाम चढ़ेगा रजिस्टर में, विच विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो दिस इज अ टाइम गिवन टू यू जिनका नाम चढ़ेगा। अगर नाम नहीं चढ़ा 20 अगस्त तक तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो यू हैव अ टाइम टू गो टू द कंपनी एंड गेट योर नेम रजिस्टर्ड। बट अब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, बिफोर इट वॉज नॉट सो मच ऑनलाइन। ओके, सो बेसिकली दिस टाइम गैप इज बिकॉज अगर आपने शेयर अभी अभी खरीदा है 16 अगस्त से पहले एंड यू आर एलिजिबल फॉर द डिविडेंड, यू हैव टू गेट योर सेल्फ नेम रजिस्टर्ड इन द रजिस्ट्रार, सो इन द रजिस्टर ऑन बिफोर द रिकॉर्ड डेट। फिर रिकॉर्ड डेट पे जितना रजिस्टर क्लोज हो जाएगा उस दिन जो जो नाम रजिस्टर में होंगे उन सबको डिविडेंड मिल जाएगा एंड डिविडेंड की पेमेंट उनको 30 अगस्त तक डिस्चार्ज हो जाएगी। इज इट क्लियर? मैं कुछ इसके बारे में लिखवाना चाहती हूँ, वो आप नोट डाउन करेंगे। फिर इसका एक छोटा सा मिनी सा 2 मिनट का क्वेश्चन है, ठीक है? आइए जरा लिखिए जरा नोट्स प्लीज। हाँ जी स्टूडेंट्स, लिखिए जरा एक सेकेंड। दिस वॉज योर डिक्लेरेशन डेट, दिस वॉज योर लास्ट कम डिविडेंड डेट, दिस इज योर लास्ट एक्स डिविडेंड डेट, दिस इज योर रिकॉर्ड डेट एंड दिस इज योर पेमेंट डेट। लिखिए जरा विद कम डिविडेंड। कम डिविडेंड का मतलब बच्चों ये होता है कि जो आपने शेयर खरीदा है आपको शेयर ही नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको साथ में डिक्लेयर्ड डिविडेंड भी मिलेगा। विद कम डिविडेंड द सेलर इज सेलिंग द राइट टू द शेयर एंड राइट टू द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑल्सो। वंस अ कंपनी डिक्लेयर्ड द डिविडेंड, it sets a recording date that the buyer must meet to get name recorded in the register of members। last Sorry, if a buyer purchases a share after the X date, the seller sells it X dividend instead of cum dividend. On the X dividend date, the market price of the share will
फॉल बाय द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पर शेयर। एक और पॉइंट भी लिख लीजिए, मैं यहां लिख देती हूं, द एक्स डिविडेंड डे इज बिफोर रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड बाय द कंपनी इन ऑर्डर टू गिव the buyer the time to register his share with the company so as to be eligible for dividend। स्क्रीन को पॉज करके बच्चों उसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से स्क्रीन पॉज करके। हाँ जी, अब हमारे यहां तक के कॉन्सेप्ट्स कवर हुए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वेरियस डिविडेंड मॉडल्स, पर उससे पहले की दोनों वीडियोस को प्लीज पढ़ लीजिएगा, तभी नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।